सो हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नो पीजे में। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू यूज़ 90s ग्लिच ऐप के बारे में। 90s ग्लिच ऐप क्या है, कैसे यूज़ करें, इसके बारे में आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो इससे पहले फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा अगर आपने हमारे चैनल टेक्नो पीजे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, 90s ग्लिच ऐप को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर आकर आपको सर्च कर लेना है 90s। तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 90s ग्लिच VHS एंड वेपर वेव वीडियो इफेक्ट्स एडिटर। तो फ्रेंड, बताना चाहूँगा 5 मिलियन प्लस डाउनलोड हो चुका है ये ऐप। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर आप अपने VHS वीडियो भी शूट कर सकते हैं और साथ ही में यहाँ पर आपको रेट्रो इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार से आपको 90s के फिल्टर और रेट्रो फिल्टर वगैरह बहुत सारे आपको फिल्टर देखने को मिलेंगे। तो इसे आपको आपको इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। सो फ्रेंड्स, ऐप ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पे नीचे प्लस का आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, टेक अ वीडियो और एडिट अ वीडियो। तो यहाँ से आप अपना वीडियो भी बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं एडिट अ वीडियो पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको परमिशन अलाउ कर देना है, तो यहाँ पर मैं इसकी परमिशन अलाउ कर देता हूँ। सो नेक्स्ट, आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको फोटोज़ और वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ फोटोज़ और वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने एक वीडियो सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आपको 9:16 का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ से आप अपने वीडियो का रेशियो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो 16:9 हो चुका है और इसी प्रकार से 1:1 हो चुका है। और बाजू में आपको 90 डिग्री का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो 90 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से वीडियो की लेंथ कम ज़्यादा करना है तो आप इस पर नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप वीडियो की लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऊपर आपको राइट टिक का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो नेक्स्ट, आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको इफेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर ग्लिच इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो वीडियो में ग्लिच इफेक्ट डालने के लिए आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पर वीडियो में ग्लिच इफेक्ट अप्लाई होना चालू हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप अपने वीडियो में ग्लिच इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर आपको VHS का इफेक्ट देखने को मिलेगा, इस पर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर नॉइज़ लाइन, इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो में इफेक्ट आ चुका है। और इसी प्रकार से यहाँ पर डिस्टॉर्टेड TV का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप अपने वीडियो में इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा बीट का, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर डेजलिंग इफेक्ट है, तो आप इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये इफेक्ट अप्लाई होना चालू हो जाएगा। और इसी प्रकार से नेक्स्ट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये इफेक्ट अप्लाई होना चालू हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे, तो आप अपने वीडियो में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर शेक का ऑप्शन दिखाई देगा तो आपका वीडियो जो है यहाँ पे मूव होना चालू हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर आपको जूम का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आप अपने वीडियो में इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वीडियो में इसका इफेक्ट अप्लाई होना चालू हो जाएगा। और नेक्स्ट, थर्ड नंबर पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा ट्रिपी का, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार के इफेक्ट हैं, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। और नेक्स्ट, आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा मल्टी का, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर ब्लर का इफेक्ट है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ब्लर का इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। और इसी प्रकार से यहाँ पर आपको आर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने वीडियो में इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे लेयर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने वीडियो में लेयर लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर VHS 1 पर क्लिक करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं रिकॉर्ड का ऑप्शन आ चुका है। और इसी प्रकार से VHS 2, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ वीडियो में VHS 2 इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। और VHS 3, बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे आपको। और इसी प्रकार से आपको यहाँ पे नीचे VCR का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे इस पर अप्लाई करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको इस पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो में इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। और VCR 3 पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ वीडियो में ये इफेक्ट भी अप्लाई हो चुका है। और इसी प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट लोमो का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे।
तो आपको यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर VHS का इस्तेमाल कर सकते हैं वीडियो में। और इसी प्रकार से आपको यहाँ पे थर्ड नंबर पे ऑप्शन दिखाई देगा स्टिकर का, तो आप अपने वीडियो में स्टिकर लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं स्टिकर पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ वीडियो में स्टिकर आप लगा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर मैं ये लगा लेता हूँ, तो कुछ इस तरह से आप अपने वीडियो में स्टिकर लगा सकते हैं। और इसी प्रकार से फोर्थ नंबर पर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। और से फिफ्थ नंबर पे आपको ऑडियो का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑडियो मिल जाएंगे। आप इनको डाउनलोड करके अपने वीडियो में लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वीलॉग, डायनेमिक और पॉप और फ्रेश और ट्रैवल, स्पोर्ट्स वगैरह बहुत सारे आपको मल्टीपल ऑडियो मिलेंगे, तो आप इनका इस्तेमाल अपने वीडियो में कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने अपनी फ़ोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर मैंने अपनी फ़ोटो में ग्लिच इफेक्ट को अप्लाई कर दिया है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप अपने फोटो या वीडियो में ग्लिच इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ पर आपको ऊपर राइट टिक का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप अपनी वीडियो को सेव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टेक्नो पीजी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।